नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी विद एनआर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपन गणित की शिक्षण विधियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, आज उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार होते हैं। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपयोग सभी। तो बी एस ब्लूम थे, उन्होंने तीन प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर? तो ज्ञानात्मक भी थे, भावात्मक भी थे और क्रियात्मक भी थे। तो इसमें आपको बता दूं मैं कि जो अपने दे रखा था क्रियात्मक, ये जो ज्ञानात्मक क्या होता है, इसमें बच्चा होता है या बालक होता है उसकी मानसिक शक्तियों का, किसका होता था, मानसिक शक्तियों का विकास होता था। मानसिक शक्तियों का विकास होता था किसमें? ज्ञानात्मक में। फिर आता है अपने भावात्मक होता है। भावात्मक में क्या होता था, इसमें बालक की चारित्रिक गुणों का होता था। भावात्मक शारीरिक गुणों का विकास, शारीरिक गुणों का विकास होता था किसमें? भावात्मक में। फिर आता है अपना क्रियात्मक। क्रियात्मक में क्या होता था कि बालक होते उसके कौशलों का विकास करता था। क्रियात्मक में किसका विकास होता था? कौशलों का विकास। एक बार फिर बी एस ब्लूम थे, उन्होंने तीन प्रकार बताए उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में क्या होता है कि बालक की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। भावात्मक होता है उसमें शारीरिक गुणों का विकास होता है। और जो अंतिम होता है क्रियात्मक, उसमें होता है कौशलों का विकास, बालक के कौशलों का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये परिभाषा किसने दी थी? बेकन ने, नेपोलियन ने, होगवेन ने, या इनमें से कोई नहीं है? तो सिंपल सा प्रश्न है, होगवेन ने। किसने दी थी? होगवेन ने दी थी। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में स्वतंत्र सर होता है। विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। तो विद्यार्थी होता है, वो होता है आश्रित सर। क्या होता है? आश्रित सर। कौन सा सर होता है? आश्रित, क्योंकि ये शिक्षक और पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है विद्यार्थी। शिक्षक होता है, वो होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र सर। कौन होता है? शिक्षक। फिर अंतिम होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम होता है, इसको बोलते हैं मध्यस्थ सर, या इसको अपन बोल सकते हैं हस्तक्षेपी सर। इसमें आंसर हो जाएगा, शिक्षण में स्वतंत्र सर होता है तो कौन होता है? शिक्षक होता है। विद्यार्थी होता है आश्रित सर होता है, पाठ्यक्रम होता है वो मध्यस्थ या हस्तक्षेपी सर होता है। नेक्स्ट, इकाई योजना के जनक थे हर्बर्ट, जॉन ड्यूवी, ब्लूम, मॉरिसन। तो इसमें सीधा सा प्रश्न है, इसमें हो जाएगा मॉरिसन। कौन हो जाएगा? मॉरिसन। नेक्स्ट, स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रकार होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रकार होते हैं, वो होते हैं तीन। कितने होते हैं? तीन। कौन कौन सा होता है? स्मृति स्तर, सबसे पहला होता है स्मृति स्तर। दूसरा होता है, वो होता है बोध स्तर। कौन सा होता है? बोध स्तर। और तीसरा अंतिम होता है, वो होता है चिंतन का स्तर। पहला हो गया स्मृति स्तर, दूसरा हो गया बोध स्तर और तीसरा हो गया स्मृति स्तर। अब आता है कि स्मृति स्तर किसने दिया था? तो ये दिया था हर्बर्ट ने। किसने दिया था? हर्बर्ट ने स्मृति स्तर दिया था। बोध स्तर दिया था, वो दिया था मॉरिसन ने। किसने दिया था? मॉरिसन ने। और चिंतन स्तर दिया था, वो दिया था हंट ने। किसने दिया था? हंट ने। तो तीन स्तर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्मृति स्तर जो दिया था इसके, जो दिया था हर्बर्ट ने, बोध स्तर था उसको दिया था मॉरिसन ने, चिंतन स्तर था वो दिया था हंट ने। तो स्तर के आधार पर तीन स्तर होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से गणित शिक्षण के सिद्धांत नहीं है, रुचि का सिद्धांत। अलग के अंदर रुचि होती है, वो रुचि के अंदर पूर्ण पड़ता है, रुचि का सिद्धांत होता है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मतलब बच्चे को प्रेरणा के द्वारा सीखना होता है। प्रतिपुष्टि, जो बालक ने अच्छा काम किया है तो उसको अपन प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देते थे, तो ये भी होता है। पुरस्कार का सिद्धांत नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुरस्कार का सिद्धांत नहीं होता है। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति की विधियाँ हैं। ज्ञान प्राप्ति की विधियाँ
है। ज्ञान प्राप्ति की क्या है विधि, एक दो तीन चार। तो ज्ञान प्राप्ति की विधि होती है वो होती है तीन। अब कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले होती है प्रत्याक्षात्मक, प्रत्यात्मक विधि, प्रत्यात्मक विधि। दूसरी होती है प्रत्यात्मक, प्रत्यात्मक विधि। और तीसरी होती है चाश्रियात्मक, साश्रियात्मक विधि। पहली होती है प्रत्याक्षात्मक, दूसरी होती है प्रत्यात्मक, और तीसरी होती है साश्रियात्मक। प्रत्यात्मक विधि में क्या होता है, इसमें इंद्रियों के द्वारा सीखना, किसके द्वारा सीखना, इंद्रियों के द्वारा सीखना। तो कौन सी विधि हो जाएगी जो प्रत्यात्मक, प्रत्यात्मक में क्या होता है समझकर, अपन समझकर किसी बात को सीखते हैं तो वो जाएगा प्रत्यात्मक, मतलब अपन खुद करके सीखते हैं। और शास्त्रार्थ का मतलब होता है पूर्व ज्ञान के आधार पर, जैसे अपन पूर्व में कुछ भी सीखा हुआ है उसके आधार पर उस समस्या को का समाधान करना, तो हो जाएगा साश्चर्यात्मक हो गया। ये तीन हो जाएगी, प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक, साश्चर्यात्मक। ठीक है, नेक्स्ट। गणित के अध्ययन में एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है, आत्मविश्वास का। अगर बच्चा किसी भी चीज़ को कर सकता है तो आत्मविश्वास आएगा, होता है। आत्मनिर्भरता, बच्चा आत्मनिर्भर हो जाता है। तार्किक सोच, बच्चे के अंदर गणित सीखने से उसकी तार्किक सोच बढ़ती है क्योंकि वो तर्क करना जानता है, इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, गणित में शिक्षक को गृह कार्य देना चाहिए कम, अधिक, संतुलित या अध्याय के अनुसार। तो बच्चे को कम भी नहीं देना चाहिए और न अधिक देना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा संतुलित, मतलब न ज़्यादा और न कम, संतुलित देना चाहिए, इसका आंसर संतुलित। नेक्स्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है, आगमन में, निगमन में, विश्लेषण में, खोज विधि में। तो सामान्य से विशिष्ट होता है वो होता है निगमन विधि में, किसमें होता है निगमन। आगमन में क्या होता है विशिष्ट से सामान्य और होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होगा तो किसमें होगा आगमन विधि में, और निगमन में होता है वो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है, व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग विधि, प्रयोगशाला विधि। इसमें सीधी सी देरी के व्याख्यान विधि होती है वो शिक्षक प्रदान विधि होती है, शिक्षक प्रदान विधि, क्योंकि किसी भी चीज़ को शिक्षक पढ़ता है और उसकी व्याख्या करता है तो वो व्याख्या। प्रोजेक्ट विधि में बच्चा खुद काम करता है, प्रयोग में भी, प्रयोग विधि में खुद करता है, और प्रयोगशाला विधि में बच्चा खुद कार्य करता है। ये तीनों होती है इसकी बाल केंद्रित, इसमें एक हो जाएगा व्याख्यान विधि जो शिक्षक केंद्रित विधि होती है। नेक्स्ट, निम्न में से सही मायनों में गणित है, मूर्त विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो इसमें सीधा सा प्रश्न है अमूर्त विज्ञान, क्या हो जाएगा अमूर्त विज्ञान। नेक्स्ट, गणित विज्ञान है स्थान का, संख्याओं का, गणनाओं का, उपयुक्त सभी। तो इसमें भी हो जाएगा गणित होती है स्थान का भी होती है, संख्याओं का भी होती है, गणना का भी होती है, तो इसका राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, संख्याएं दुनिया पर राज करती है, संख्याएं दुनिया पर राज करती है, वाक्य किसने दिया था, पाइथागोरस ने, नेपोलियन ने, प्लेटो ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दी थी परिभाषा किसने दी थी, पाइथागोरस ने दी थी। गणित की विशेषताएं हैं वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, समन्वयशीलता, भावात्मकता। तो ये इसमें हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। धन्यवाद, ऐसी ही क्लास लेके अपन अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।